हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं गाइस, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेरिट्स पढ़े थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम हमारी चार डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करने की, उसके बाद भी स्टिल आप एनसीईआरटी पढ़ें, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छा आप लिख के आ सको, आपको और अच्छा समझ में आए। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट डीमेरिट और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, के हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल होता है। हमने मेरिट्स पढ़ी थी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट, किस तरीके से, उनको सब्सिडीज दे के, ठीक है, उनके टैक्सेस घटा के, उनका जो बैंक से वे लोन लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट को डिक्रीज करके। और जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल भी करती है। पढ़ते हैं इसको। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अफेक्ट देयर फंक्शनिंग, कि जो गवर्नमेंट होती है उनका बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग करना, उनके लिए चलना, उनको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये रिक्वायर्ड है, उनको करना पड़ेगा, अपने सारे अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा ऑडिटर से, किसके, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। ये उनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि भाई आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल डाल देती है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को बांध देती है कि उनको ऐसे करना ही पड़ेगा, और एंड टू सबमिट इट अकाउंट्स रेगुलरली टू द रजिस्ट्रार, और उनको अपने अकाउंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है तो साथ में इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डाल देती है, इनके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल भी दिखाती है। ठीक है, अगर कोई भी हमारे ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल कर रहा है तो हम अपनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वही काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ होता है, ये अपना काम उतनी फ्रीडम से या उतने अच्छे से नहीं कर पाते। क्लियर, सो द वेरी फर्स्ट डीमेरिट इज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, या आपको एनसीईआरटी में ये गवर्नमेंट कंट्रोल के नाम से भी मिल सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी, कि यहां पर सीक्रेसी की बहुत ज्यादा लैक रहती है, कमी रहती है। कैसे, द अफेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ओपनली डिस्कस्ड, के कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ भी है, वो ओपनली डिस्कस करा जाता है। ठीक है, इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ, भाई कोई बात होती है जो हो सकता है सबके साथ डिस्कस ना करी जाए, सबको ना बताई जाए। ठीक है, लेकिन इसके डीमेरिट क्या है कि सारी बात आपको हर मेंबर को बतानी पड़ेगी, ओपन डिस्कशन होगा इसमें। ठीक है, एवरी मेंबर इज फ्री टू इंस्पेक्ट द बुक्स, कोई भी आकर बुक्स को चेक कर सकता है, किसी के ऊपर आप लगाम नहीं कर सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, जो चीज गलत है। ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, कुछ भी आप बुक्स देख सकते हो, उनके रिकॉर्ड्स देख सकते हो, कुछ भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी मेंबर। ठीक है, देयरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट टू कीप द सीक्रेट ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि जो सीक्रेट है हमारी सोसाइटी के वो मेंटेन नहीं रह पाते, वो हमारे खुल जाते हैं। क्लियर, तो यहां पर सीक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। द नेक्स्ट विल बी इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी रहती है। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट हो, है ना, उसको चलाने के लिए एक मैनेजर की, एक इफेक्टिव मैनेजर की जरूरत जरूर पड़ेगी आपको, कि जो अच्छे से काम करवा सके, अच्छे से हर काम को मैनेज कर सके, और उसे करवाने की स्किल्स होनी चाहिए, खुद भी अच्छे से हर काम करने की स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके साथ दिक्कत क्या आती है कि ये एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं करते, इतने फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि एक अच्छे से अच्छा मैनेजर को अपॉइंट कर सके। जितना अच्छा मैनेजर होगा उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन ये फाइनेंशियल साउंड नहीं करते, इनकी जो कैपिटल होती है वो इतनी नहीं होती, या इनकी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है, लिमिटेड रिसोर्स,
है ना, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो इतने लिमिटेड होते हैं कि ये कोई एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से इनके मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी बनी रहती है। इसको डिस्कस करते हैं, दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट और एम्प्लॉय। ये अनेबल हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि ये अट्रैक्ट कर सके, आ सके इनके पास, या ये किसी को एम्प्लॉय कर सके, किसी एक एक्सपर्ट मैनेजर को, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देयर हायर सैलरीज, क्योंकि वो इतने एबल नहीं है कि उनकी हायर सैलरीज को वे पे कर सके। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी लिमिटेड रिसोर्स, कि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। सोचने की वाली बात है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वही मेंबर हैं, अपने ही वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो कैपिटल भी तो यही लाएंगे। इट मींस इनका जो रिसोर्स है, रिसोर्स का जो जरिया है, वो मेंबर्स के द्वारा लाई गई कैपिटल ही तो है। ठीक है, क्या रहा इसमें? रिसोर्सेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई जो इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो कैपिटल ये लाते हैं वही तो इनका अल्टीमेट रिसोर्स है, उसी के जरिए तो इनके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस, जितनी भी पैसा ये इनके मेंबर्स लेकर आ रहे हैं, अल्टीमेट रिसोर्स का जो जरिया है वो तो वही है, और कोई सोर्स थोड़ी ना है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ डिट्रेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो इनके ऑलरेडी मेंबर हैं, ये उनको इतना अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड नहीं ऑफर कर पाते कि वे लोग और कैपिटल इन्वेस्ट करें। भाई आप पैसा भी तो वहीं पर लगाओगे जहां पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो, आपको इंटरेस्ट का जो रेट है, जो डिविडेंड है, वो ज्यादा मिले। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने उन्हीं मेंबर्स को इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते, इतना अच्छा डिविडेंड या इतना अच्छा इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता कि वे मेंबर्स और पैसा लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, इसी की वजह से जो और मेंबरशिप इनकी नहीं बन पाती, और जो लोग होते हैं वो इनके साथ नहीं आते, जिसकी वजह से इनके जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको चारों डीमेरिट समझ में आई होंगी। आप इसको चाहो तो एक्सप्लेनेशन को और एक्सपेंड कर सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, g.nirmit के नाम से मेरी आईडी है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।